बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा दर्शकों के दिलों को जीत पाने में नाकाम साबित हो रही है। ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज के पहले से ही इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग तेज हो रही थी। आमिर खान ने खुद सामने से इस फिल्म को बॉयकॉट न करने की लोगों से अपील की, लेकिन लगता है आमिर खान की इस अपील का लोगों पर कोई खास असर नहीं हुआ। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो आमिर खान सहित फिल्म के मेकर्स को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। उम्मीद से कम कमाई के कारण फिल्म को काफी नुकसान हो गया है। फिल्म के मेकर्स अब इस नुकसान की भरपाई फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करके करने का मन बना रहे हैं। फिल्म के मेकर्स की माने तो OTT पर इस फिल्म को 3 महीने के अंदर रिलीज किया जा सकता है। आमिर खान सहित फिल्म के मेकर्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमा घरों में इतना कम कलेक्शन करेगी। इस वजह से अब मेकर्स OTT से फिल्म की लागत और प्रॉफिट को मोनेटाइज करने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो फिल्म लाल सिंह चड्ढा नेटफ्लिक्स या वूट सिलेक्ट में से किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। माना जा रहा है कि फिल्म के राइट्स 100 करोड़ से 120 करोड़ रुपए में बिके हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा अब तक सिनेमाघरों में करीब 46 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही कर पाई है और आगे भी इसका कलेक्शन कुछ खास बढ़ने की उम्मीद नहीं है, जिसके बाद अब फिल्म के मेकर्स नुकसान की भरपाई करने के लिए OTT पर भी इस फिल्म को रिलीज करना बेहतर मान रहे हैं।